हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास फोर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अभी देखिए पांच ऐसा जोन है जिसका टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया है, आरआरबी एनटीपीसी का। तो इसमें से आपको देखेंगे कि क्या कटअप जा सकता है इसका टाइपिंग और नॉन टाइपिंग पोस्ट का, ठीक है। बहुत ही डिटेल में देखेंगे आपको और मतलब टू द पॉइंट हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि डिटेल में जो है हर एक आरआरबी के लिए सेपरेट वीडियो बनाया गया है, मेरे द्वारा कटअप का प्रेडिक्शन किया गया है, अगर आप नहीं देखे तो देख सकते हैं। और इसमें जो है हम लोग कंबाइन देखने वाले हैं। अभी तक देखिए जो लेवल फाइव का रिजल्ट है, इतने सारे जोन का रिजल्ट आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलीगुड़ी, अजमेर, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोलकाता, मालदा, जम्मू, सिकंदराबाद, तिरुवनंतपुरम, रांची, बिलासपुर, चंडीगढ़, बैंगलोर और मुजफ्फरपुर। कल जो रिजल्ट आया था आरआरबी से, वो आया था आपको तिरुवनंतपुरम का, ठीक है। इसका कटअप का अगर आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा, ज़्यादा कटअप इसमें इंक्रीज नहीं हुआ है। कुछ कुछ जोन ऐसा है जहाँ पे कटअप ज़्यादा चला जाता है, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि सभी जोन का कटअप ज़्यादा चला जाएगा, तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। अब हम लोग देखते हैं ये कुछ अपडेट है। अब यहाँ पे अगर इसको देखते हैं, जो टेंटेटिव शेड्यूल जारी किया गया था आरआरबी के द्वारा, यहाँ पे लेवल फाइव के बारे में देखिए क्या बोला गया है। थर्ड वीक ऑफ नवंबर, यहाँ जो लिखा हुआ है रिजल्ट ऑफ फाइनल स्टेज, तो थर्ड वीक ऑफ नवंबर को जो है रिजल्ट आ जाएगा। और आज देखिए आपको 25 नवंबर हो गया, यानी कि फोर्थ वीक में हम लोग इन कर गए हैं। लेकिन अभी पांच ऐसा जोन है जिसका सिर्फ टाइपिंग का टेस्ट रिजल्ट ही नहीं आया, तो अभी लेवल फाइव का कटअप आएगा, फिर उसके बाद डीवी लिस्ट आएगा। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लग रहा है, रेलवे को थोड़ा सा और फास्ट करने का जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप टेंटेटिव शेड्यूल देकर और फिर सो जाएं, क्योंकि अगर हम लोग इस पर छोड़ देंगे ना तो फिर ये और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसका मतलब इसमें भी देखा जाए तो लेवल टू का जो रिजल्ट है वो आपको फोर्थ वीक ऑफ मार्च चला जाएगा, और एग्ज़ाम हुआ था आपको अगस्त महीना में, ठीक है, अगस्त में हुआ था अगर हम लोग इसका बात करते हैं गुवाहाटी बोर्ड का। बाकी सबका तो और भी पहले हो गया था, तो इतना टाइम थोड़ी ना लगता है आपको, 6 से 7 महीना थोड़ी ना लगता है। अगर रेलवे चाहे तो इस प्रोसेस को बहुत ही जल्द ख़त्म कर सकती है, पर पता नहीं क्या सोच कर इतना डिले किया जा रहा है। खैर फाइनली हम लोग इसी टेबल को लेकर चलते हैं, ये सोचते हैं कि आपको जो है क्लियर हो जाएगा। लेवल फाइव का बात करते हैं हम लोग, लेवल फाइव में टोटल देखिए 17,393 है वैकेंसी है, जिसमें कि इस जोन का आपको प्रोसेस हो चुका है, इसका भी डीवी का जो है कॉल लेटर भी आने लगा है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें बात करने वाले हैं सभी जोन का। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आरआरबी भोपाल का, एकदम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। ठीक है, सभी के लिए मैंने वैकेंसी टेबल, कटअप, मार्क्स सभी लेकर आया हूँ। अब यहाँ पे बात करते हैं आरआरबी भोपाल लेवल फाइव का टाइपिंग और नॉन टाइपिंग पोस्ट का कटअप किया जा सकता है, एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे, बहुत ही जल्दी में हम लोग देख लेंगे, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होने वाला है। चलिए देखिए, लेवल फाइव में चार पोस्ट है, जिसमें कि गुड्स गार्ड, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। इसमें से आपको दो पोस्ट ऐसा है जो कि नॉन टाइपिंग है, एक गुड्स गार्ड का, दूसरा क्या है आपको सीसीटीसी का। सीसीटीसी मतलब हो गया कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, सीसीटीसी, ठीक है, इतना लंबा क्या बोलना, सीसीटीसी। अब यहाँ पे देखिए गुड्स गार्ड में टोटल वैकेंसी कितना है, तो गुड्स गार्ड में टोटल आपको जो वैकेंसी यहाँ पे 114 है, ठीक है। और उसके बाद सीसीटीसी का बात करते हैं यहाँ पे, तो इसका वैकेंसी कितना है, 178 है। ये दोनों नॉन टाइपिंग पोस्ट है, दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 292, ठीक है। तो आरआरबी भोपाल से नॉन टाइपिंग पोस्ट कितना है, 292 है, और टाइपिंग पोस्ट का हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 287 पोस्ट, समझ में आ रहा है। जिसमें कि यूआर का कितना सीट है, यूआर का आपको सीट है, ये देखिए ये है आपको नॉन टाइपिंग, ये नॉन टाइपिंग है और ये टाइपिंग है इधर वाला, तो यूआर का है आपको 107 सीट, एससी का है 47 सीट, एसटी का आपको 25 सीट, ओबीसी का 81 सीट। ओबीसी का आपको अगर सबको जोड़ लिया जाए तो हो जाता है आपको कितना, 81 सीट। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 32 सीट है, और टाइपिंग का देखिए यहाँ पर यूआर का सीट ज़्यादा है, 121 है, और एससी का आपको 40 है, एसटी का आपको 23 है, ओबीसी का आपको कितना है, 75, ईडब्ल्यूएस का 28, ठीक है। ज़्यादा का अंतर नहीं जाएगा आपको टाइपिंग नॉन टाइपिंग पोस्ट में, क्योंकि देखिए यहाँ पे वेरी ज़्यादा नहीं कर रहा है, यहाँ पे मुश्किल से आपको यहाँ पे आपको प्लस आपको 13-14-15 सीट ही है, यहाँ पे आपको 7 सीट का मार्जिन है ज़्यादा, मतलब डिफरेंस है, यहाँ पे 2 सीट का है, तो आपको टाइपिंग नॉन टाइपिंग पोस्ट का जो कटअप है ना वो ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। अब टोटल ये सीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए टाइपिंग पोस्ट का बात करते हैं, तो टोटल 287 था टाइपिंग पोस्ट का, और बच्चे को कितने बुलाया गया था आपको, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट यहाँ पे टाइपिंग पोस्ट के लिए, टाइपिंग टेस्ट के लिए, तो 2625, ठीक है। तो 2625 को जब हम लोग 287 से टोटल सीट से डिवाइड करते हैं तो लगभग ये 9.13 समथिंग आता है, यानी कि 9 टाइम्स बच्चे को कॉल किया गया था टाइपिंग पोस्ट के लिए। अब जो ये 9 टाइम्स है तो ये सभी का 9 टाइम्स होगा, यानी कि यूआर का भी 9, जैसे यूआर का पहले हम लोग बात करते हैं तो 121 सीट है टाइपिंग में, तो इसका ये भी 9 टाइम होगा। फिर इसके बाद एससी का बात करें तो इसका भी 9 टाइम्स होगा, सभी का ये 9 टाइम्स लिया गया होगा। तो
यूआर से एक सीट से समझते हैं, ठीक है, एक कैटेगरी से, बाकी सब उसी तरह से होगा। यूआर का अगर हम लोग 9 टाइम्स करते हैं, देखिए कितना होता है, 9 एक 9, 9 दूना 18, 9 एक 10, तो 1029, ठीक है, यहाँ पे आपको 89 होगा, 89 कर लीजिए, 1089, इतना बच्चे को कॉल किया गया था यूआर कैटेगरी से टाइपिंग पोस्ट के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, इसका मतलब ये आप बोल सकते हैं कि 1000 ऐसे बच्चे हैं जिसका मार्क्स कितना है, जिसका मार्क्स जो है आपको 79.32 से क्या है, ज़्यादा है ना, 79.32 से ज़्यादा है, 1000 ऐसे बच्चे हैं, और टोटल सीट कितना है टाइपिंग नॉन टाइपिंग पोस्ट को मिला लिया जाए तो यहाँ पे 228 सीट है, समझ रहे हैं आप, तो 228। अब देखिए टोटल सीट है 228, यानी कि कितने बच्चे को जॉब मिलेगा, ये होगा आपको सिलेक्शन होगा 228 बच्चे का, लेकिन 79.32 से कितने बच्चे ज़्यादा मार्क्स लेके आए, 1089, तो आप देख रहे हैं कि लगभग 3 गुना, 3 गुना कैसे, ये तो 4 गुना हो गया, लगभग 4 टाइम्स, 4 टाइम्स ज़्यादा बच्चों को कॉल किया गया, तो यहाँ पे कटअप बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है, लगभग 4 टाइम। अब यहाँ पे देखिए कटअप ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है, यहाँ पे आपको टाइपिंग पोस्ट नॉन टाइपिंग पोस्ट का बात करते हैं तो, अच्छा कटअप क्या जा सकता है भोपाल जोन का, देखिए कितना किस रेंज में हैं आप, रैंक आईक्यू डेटा को हिसाब से ध्यान में रखते हुए, क्योंकि लगभग रैंक आईक्यू में 600 ऐसे बच्चे हैं जिसका मार्क्स जो है आपको 85+ है, ठीक है, 85+ है ऐसे बच्चे हैं सॉरी, और उसमें देखिए यहाँ पे बहुत ऐसे, और हाँ इस कैटेगरी में फिर आपको सभी कैटेगरी का बच्चा होगा, इस जो 600 बच्चे, इसमें ओबीसी भी होगा, एससी भी होगा, एसटी भी होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए ओबीसी का भी ऐसा कुछ बच्चा होता है जो आपको 90 लेके आता है, एससी का भी लेके आता है, एसटी का भी लेके आ जाता है, तो सभी बच्चे इसमें होंगे। अब हम लोग अगर टू द पॉइंट बात करते हैं कि किस रेंज में आपका मार्क्स है, तो आप सेफ को सेफ समझ सकते हैं आरआरबी भोपाल जोन से। देखिए पहले टाइपिंग का बात करते हैं, फिर हम लोग नॉन टाइपिंग का बात करेंगे, तो अगर आप यूआर से हैं और अगर आपका मार्क्स 88+ है तो डेफिनेटली आप खुद को सेफ समझ सकते हैं, यानी कि 88 से नीचे कटअप नहीं जाने वाला है, ठीक है, इसमें -1 कर सकते हैं आप, -1 -2, बट इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, अगर आपका 88+ मार्क्स है तो डेफिनेटली आप सेफ जोन में, आपको एक नॉन टाइपिंग पोस्ट मिल जाएगा। वहीं अगर एससी का बात करते हैं तो इसका कटअप आपको 73+ रहने वाला है, ठीक है, 73+ रहने वाला है, 73 से अगर आपका ज़्यादा मार्क्स है तो आप एससी कैटेगरी से आरआरबी भोपाल जोन में नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए आप एक खुद को सेफ जोन समझ सकते हैं। एसटी का बात करें तो एसटी में देखिए +66 चाहिए आपको, क्योंकि देखिए +66 अगर आपका मार्क्स है तो डेफिनेटली आपको एक सीट मिल जाएगा, कटअप यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज करने वाला है, ठीक है। ओबीसी का बात करें तो ओबीसी में अगर आपका 83+ है तो डेफिनेटली आपको एक सीट मिल जाएगा, और ईडब्ल्यूएस में अगर आप 77+ हैं, ठीक है, 77+ है तो आप खुद को सेफ समझ सकते हैं, तो यही, इससे नीचे कटअप नहीं जाएगा, मतलब इससे नीचे नहीं जाएगा, मैक्स टू मैक्स -1 जा सकता है या -2 जा सकता है, लेकिन यही रहने वाला है, ठीक है, रैंक आईक्यू के डेटा को ध्यान में रखते हुए जो है 88+ 73+ एससी के लिए, एसटी के लिए 66, ओबीसी के लिए 83+, ईडब्ल्यूएस का 77, अगर आप इससे इस जोन में, इस रेंज में है तो डेफिनेटली आप खुद को सेफ समझिए, इससे ज़्यादा कटअप नहीं जाने वाला है इस जोन से, ठीक है। और टाइपिंग का बात करें तो देखिए टाइपिंग का रिजल्ट तो अभी आना बाकी है, तो टाइपिंग का रिजल्ट अभी स्टेटस दिया नहीं है, पर आई होप कि इस वीक जो है टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाए। और टाइपिंग का बात करते हैं तो देखिए टाइपिंग में भी अच्छा खासा पोस्ट है, यहाँ पे 121 यूआर से, 40 एससी से, 23 एसटी से, ओबीसी का 75 है, ईडब्ल्यूएस का 28 है, तो अगर आपका टाइपिंग क्वालिफाइड है, टाइपिंग क्वालिफाइड है, ठीक है, और कटअप से अगर आप +6 या +8 है, ठीक है, +8 किस में जा सकता है, देखिए प्लस जैसे कि यहाँ पे कितना गया था कटअप, अगर इसको बात करते हैं 79 गया था ना, तो यहाँ पे आपको 75, मतलब +6 से ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है, +6 +5 ही रहने वाला है, उससे ज़्यादा आपको टाइपिंग का नहीं जाने वाला है कटअप, तो अगर आपका टाइपिंग क्वालिफाइड हो जाएगा, ठीक है, स्टेटस देखने के बाद टाइपिंग क्वालिफाइड हो जाएगा और +6 या +5 है तो डेफिनेटली आपको एक टाइपिंग पोस्ट मिल जाएगा चांस। तो ये आपको आरआरबी भोपाल का था। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जोन क्या है, नेक्स्ट हम लोग का मुंबई का। देखिए मुंबई के लिए जरा एक डिटेल एनालिसिस किया हुआ है इसी चैनल पे है, तो आप अगर उसको देखना चाहते हैं तो वहाँ देख लीजिए, अदरवाइज इसमें हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं। तो अगर यहाँ पे देखिए देखिए नॉन टाइपिंग पोस्ट का अगर हम लोग जीजी का बात करते हैं, गुड्स गार्ड का, तो यहाँ पे टोटल 316 सीट है, और सीसीटीसी का हम लोग बात करते हैं, सीसीटीसी मतलब ये हो गया नॉन टाइपिंग पोस्ट, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसका B2 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, और गुड्स कार्ट का A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, तो बहुत सारे लोग A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में भी फेल करेंगे, तो इसीलिए जो है ना कट ऑफ को फिर कम करके फिर सेकंड डिवी लिस्ट पे आएगा, तो लेवल 5 में डेफिनेटली आपको सेकंड डिवी लिस्ट देखने को मिलेगा नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। अब यहाँ पे सीसीटीसी का बात करें तो टोटल 528 पोस्ट है, जो कि बहुत अच्छा पोस्ट है,
अब यहाँ पे अगर जोड़ते हैं तो 844, तो 844 आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट है मुंबई जोन का। और टाइपिंग का बात करते हैं हम लोग, टाइपिंग का तो टाइपिंग का टोटल 1264 सीट है जब इस सभी को आप जोड़ते हैं तो, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सभी आपको नॉन टाइपिंग, ये टाइपिंग पोस्ट है, ठीक है, 1264 है। अब यहाँ पे देखिए कटअप ज़्यादा इंक्रीज होगा यहाँ भी, क्योंकि रैंक IQ का जो एलिमिनेशन के बाद जो देखा गया है, जो डेटा अपलोड हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए, जो है ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसका मार्क्स जो है आपको अच्छा खासा आया हुआ है इस जोन से। तो अगर आप सीधा डायरेक्ट बात करते हैं, देखिए UR का कटअप क्या था 67, SC का कटअप क्या था 55, ST का 47, OBC का गया था 62 और EWS का 56। ये आपको जो है टाइपिंग पोस्ट के लिए कॉल किया गया था, ठीक है। देखिए डिटेल में अगर आपको जानना है इस मुंबई जोन का तो इसके लिए सेपरेट वीडियो है, तो उसमें आप देख सकते हैं, इसी चैनल पे वीडियो अपलोड है। तो चलिए डायरेक्ट अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको UR से अगर आपका मार्क्स 84+ है तो डेफिनेटली आप खुद को सेफ जोन में समझिए, आपको एक नॉन टाइपिंग पोस्ट मिल जाएगा। अगर आप SC कैटेगरी से हैं तो आपको 70 के आसपास चाहिए, 70+ होना चाहिए आपको मार्क्स, ठीक है, कटअप यहाँ पे बढ़ने वाला है। उसके बाद अगर हम लोग ST का बात करते हैं तो ST का जो है 47 है ना, ST का आपको 65+ है तो आप सेफ जोन में खुद को समझ सकते हैं यहाँ पे। और UR का जो है ना कटअप यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज बढ़े मतलब यहाँ पे आपको जो है ना इसको 82 के आसपास रहने वाला है, -2 कर सकते हैं, ठीक है, 82 भी अगर आपका मार्क्स है तो आप सेफ जोन में। OBC का देखिए यहाँ पे 62.66 कटे गया था, और अगर आपका मार्क्स यहाँ पे 76+ है तो डेफिनेटली आप सेफ जोन में। और EWS का देखिए 56 गया था ना, तो यहाँ पे आप EWS का सीट यहाँ देखा जाए तो EWS का सीट यहाँ पे ज़्यादा है नहीं, ठीक है, इसीलिए कटअप जो है यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा उछाल होगा आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट में। गुड्स कार्ड में देखिए बहुत ही कम सीट है, सिर्फ 20 सीट है, और ज़्यादातर बच्चों का प्रेफरेंस क्या होता है, गुड्स कार्ड होता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा ये होगा। और इसका देखें तो 21 सीट है लगभग, मतलब ये सभी को जोड़ेंगे तो आपको हो गया यहाँ पे 7×4=11 का एक, और ये 61 सीट है, ठीक है। तो CC जो है इसका कटअप कम जाएगा, GG का ज़्यादा जाएगा। तो अगर आप EWS से हैं, अगर आपका मार्क्स जो है 72+ है तो डेफिनेटली आप सेफ जोन में है इस कैटेगरी से, मतलब ठीक है EWS से, तो ये कटअप है। उसके बाद टाइपिंग का रिजल्ट अभी आया नहीं है, टाइपिंग का रिजल्ट आने के बाद वही +6+8 कर लीजिए, +6 अगर आपका है तो डेफिनेटली आपको एक सीट मिल जाएगा, ठीक है। टाइपिंग का देखिए, टाइपिंग का क्या, टाइपिंग का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है, उसमें पता नहीं चलता है कितने बच्चे फेल हुए और कितने, मतलब लगभग 40 बच्चा तो फेल हो जाता है, पर जो 60 बच्चा पास पास होता है वो किस तरह का बच्चा है, वो ज़्यादा मार्क्स लाने वाला है या कम मार्क्स लाने वाला है, ये कहना मुश्किल हो जाता है। तो टाइपिंग में अगर आप +5 हैं +6 हैं तो डेफिनेटली आपको एक सीट मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। चलिए अब हम लोग एक और जोन का बात कर लेते हैं, इसी में गुवाहाटी जोन का। ठीक है, गुवाहाटी का अगर हम लोग बात करते हैं तो गुवाहाटी का कटअप 63.33 गया था, SC का 51 गया था, ST का 47 गया था, OBC का कितना गया था 55.66, EWS का 49। और डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं इसका गुवाहाटी जोन का कटअप का वीडियो, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो इसी चैनल पर अपलोड है, आप देखिए आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए गुड्स कार्ट का 38 सीट है, और ये दोनों आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट है, ये वाला और CCTC, तो इसमें आपको 4149 सीट है। और जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये दोनों टाइपिंग का पोस्ट है, यहाँ पे आपको 78 सीट है टोटल, और इसमें 136 सीट है, तो यहाँ पे ज़्यादा सीट नहीं है, इसीलिए कम बच्चों को। अब देखिए अगर मान लीजिए सीट 10 है टाइपिंग के लिए, तो यहाँ पे 8 गुना, मतलब लगभग 80 बच्चों को बुलाएगा, जहाँ पे टाइपिंग का ज़्यादा सीट है तो वहाँ पे 8 गुना मान लीजिए ज़्यादा बच्चों को बुलाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कम सीट है तो कि ज़्यादा मतलब ये बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए सीट कम है तो कम बच्चों को बुलाया गया हो ना, क्योंकि 8 टाइम्स मैक्स टू मैक्स 8 टाइम 9 टाइम्स बुलाया गया है यहाँ पे, तो यहाँ का कटअप भी इंक्रीज होगा, क्योंकि पहले से कटअप बहुत कम गया है पर ज़्यादा नहीं होगा। अगर यहाँ पे बात करते हैं UR का OBC का, तो अगर आपका कटअप, सॉरी यहाँ पे अगर आप देखें नॉन टाइपिंग पोस्ट का बात करें, तो अगर आपका 72+ है तो डेफिनेटली आप सेफ जोन में है UR कैटेगरी से, ठीक है। ये गुवाहाटी का बात हो रहा है, यहाँ पे गुवाहाटी लिख लीजिए, गुवाहाटी गुवाहाटी जोन का। और SC का देखिए, अगर SC का आप 60 हैं तो आप डेफिनेटली प्लस में है, मतलब आप सेफ जोन में है। और ST का बात करते हैं तो ST का चाहिए आपको 58, ठीक है, इससे नीचे कटअप नहीं जाने वाला है। और OBC का बात करते हैं तो OBC का अगर आप 68+ हैं तो डेफिनेटली आपको एक सीट मिल जाएगा नॉन टाइपिंग का। और EWS का बात करते हैं तो यहाँ पे इसको 65 कर लीजिए,
ये कटअप जाएगा गुवाहाटी से, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है। किसी किसी का कहना है कि +20 हो जाएगा, +25 हो जाएगा, क्योंकि पहले से यहाँ पे कटअप कम गया है। ऐसा नहीं है, इतना इंक्रीज इंक्रीज़ नहीं होने वाला है। हाँ, अगर टाइपिंग का बात करें, देखिए इस जून से भी टाइपिंग का रिजल्ट नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग जो गया था वो आपको टाइपिंग हुआ था 8 अक्टूबर को, बहुत ही लेट हुआ था, तो लगभग 45-50 डेज होने को है, तो इसका भी रिजल्ट आ जाएगा, बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और अगर आप +6 हैं, ठीक है, +8 हैं, तो डेफिनेटली आप वो एक टाइपिंग सीट मिल जाएगा, +8 मार्क्स हैं तो कटअप से, ठीक है, ये सभी कैटेगरी में जोड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग पोस्ट मतलब इक्वली है, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि टाइपिंग ज़्यादा है नॉन टाइपिंग ज़्यादा है। टोटल 214 यहाँ पे आपको क्या है, नो टाइपिंग पोस्ट है, तो +8 है तो आप डेफिनेटली आपको एक टाइपिंग सीट मिलने को है, मिल जाएगा। तो ये है, उसके बाद दो जोन यहाँ बच जाता है, एक अहमदाबाद बच जाता है और उसके बाद गोरखपुर, तो इसका हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। देखिए रिजल्ट जो है जल्द से जल्द आ जाएगा, धैर्य बना के रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।